नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड ग्रुप पर दोस्तों मैं अजीत पांडे आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूं पॉलिटी जीके का 30 इंपॉर्टेंट एम्स क्यू क्वेश्चन का टेस्ट पेपर अगर आपसे पॉलिटी बनती है तो 30 में से आपको 10 क्वेश्चन सही करने हैं ये सारे क्वेश्चन लास्ट ईयर हुए एग्जाम्स में पूछे गए हैं और पॉलिटी से हर एग्जाम में कम से कम चार से पाँच नंबर के क्वेश्चन आते हैं तो क्विज पूरा खेलिए हर क्वेश्चन का आंसर देने के आपको पाँच सेकेंड मिलेंगे अपना इसको चेक करके जरूर अपने आप को जज करिएगा स्टार्ट करते हैं वीडियो सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर वन है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसको प्रस्तुत किया जाता है बतलाइए चलिए देखते हैं तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले को ऑप्शन नंबर बी भारत के उच्चतम न्यायालय को प्रस्तुत किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है यह रहा स्क्रीन पर भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है बताइए चलिए देखते हैं तो भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अच्छा दोनों सदनों को कौन आहूत करता है यह भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो मैंने आपको बताया हुआ है शायद आपको याद होगा नहीं है याद तो आप लाइव क्लास में आओ सुबह छह बजे बताऊंगा मैं कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है बताइए चलिए देखते हैं तो कौन सी शर्त है तो संपत्ति का स्वामित्व अगर आप बाहर के हो और भारत में आपकी संपत्ति है तो यह कोई बात नहीं है कि आपको नागरिकता मिल जाए नागरिकता के लिए अधिवास पंजीकरण और वंशाक्रम जरूरी है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आप पूछा गया है यह रहा स्क्रीन पर झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था बताइए चलिए देखते हैं तो झारखंड राज्य का गठन जो है पंद्रह नवंबर सन दो हजार को हुआ था ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित हैं बताइए यह क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है चलिए देखते हैं तो हमारे संविधान में मूल अधिकार जो है अमेरिका से प्रेरित है ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है भारत के नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है बताइए चलिए देखते हैं तो भारत के नागरिकों को एक प्रकार की नागरिकता एकल नागरिकता प्राप्त है ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है भारत का सॉलिसिटर जनरल कौन होता है बताइए चलिए देखते हैं तो भारत का सॉलिसिटर जनरल एक प्रशासनिक अधिकारी की तरह काम करता है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है ये रहा स्क्रीन पर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है बताइए चलिए देखते हैं तो संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है नीति आयोग किस क्षेत्र में कार्य करता है क्या उत्तर हो जाएगा बतलाइए चलिए देखते हैं तो नीति आयोग जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में काम करता है ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पूछा गया है ये रहा स्क्रीन पर भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है बताइए चलिए देखते हैं तो भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जो जिम्मेदारी होती है योजना आयोग की नीति आयोग की होती है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है ये रहा स्क्रीन पर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं लोकसभा का अस्थाई अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है बताइए चले देखते हैं तो लोकसभा का अस्थाई अध्यक्ष जो है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व कौन करता है बताइए चलिए देखते हैं तो यहां पर उत्तर हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष सभापतित्व करता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है यह रहा स्क्रीन पर भारत के प्रधानमंत्री कैसे बनते हैं बताइए। चलिए देखते हैं तो भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त तो होते हैं ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पूछा गया है प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा है क्या उत्तर होगा बताइए चले देखते हैं तो इन ऑप्शन में से राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पूछा गया है भारत में वैध प्रभु सत्ता किसमें निहित है बताइए चलिए देखते हैं तो भारत में वैध प्रभुसत्ता जो है संविधान में निहित है ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया है बतलाइए चलिए देखते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा केशवानंद वाद ने मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया है संसद को नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके लिए मुख्य लेखाकार तथा लेखा परीक्षक के रूप में काम करता है बताइए चलिए देखते हैं तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है संघ तथा राज्य सरकार के लिए मुख्य लेखाकार तथा लेखा परीक्षक के रूप में काम करता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पूछा गया है लेखा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य किसके व्यय पर नियंत्रण करना होता है बताइए चलिए देखते हैं तो लेखा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य जो है कार्यपालिका के व्यय पर नियंत्रण करना होता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है सार्वजनिक लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं बताइए चलिए देखते हैं तो सार्वजनिक लोक लेखा समिति में राज्यसभा के सात सदस्य होते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है प्राकलन समिति में कितने सदस्य होते हैं बताइए चलिए देखते हैं तो प्राकलन समिति में 30 सदस्य होते हैं ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है अखिल भारतीय सेवा का गठन कौन कर सकता है बताइए चलिए देखते हैं तो अखिल भारतीय सेवा का गठन संसद कर सकती है ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण कहां पर होता है बतलाइए चलिए देखते हैं तो भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण जो है हैदराबाद में होता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप पूछा गया है भारत में योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था बतलाइए चलिए देखते हैं तो भारत में योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष जो है जवाहरलाल नेहरू जी थे ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है बतलाइए चलिए देखते हैं तो भारत की निर्वाचन पद्धति जो है ब्रिटेन की निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त तथा कार्यकाल निश्चित कौन करता है बताइए चलिए देखते हैं तो निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त तथा कार्यकाल संविधान निश्चित करता है ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई बतलाइए चलिए देखते हैं तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है बताइए चलिए देखते हैं तो भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है भारत में कितने उच्च न्यायालयों की आधिकारिकता में एक से अधिक राज्य हैं बताइए चलिए देखते हैं तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा तीन उच्च न्यायालयों की आधिकारिकता में एक से अधिक राज्य हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किसमें है बतलाइए चलिए देखते हैं तो भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान जो है उच्च न्यायालयों में सर्वोच्च न्यायालय में जनपद एवं सत्र न्यायालय में इन सभी में है नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे बतलाइए चलिए देखते हैं तो मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल जी थे तो दोस्तों ये थे आपके तीस क्वेश्चन पॉलिटी के प्रदेश में वर्तमान गवर्नर कौन है जो ऑलरेडी एक राज्य की गवर्नर हैं और मध्य प्रदेश में भी कार्यवाहक कार्यवाहक राज्यपाल की तरह काम कर रही हैं उनका नाम क्या है कमेंट बॉक्स में आप आंसर अपना शेयर करिए दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मैं रोज़ जनरल अवेयरनेस सुबह छः बजे पढ़ाता हूँ लाइव साइंस रात में आठ बजे लाइव पढ़ाता हूँ जी के करंट अफेयर्स रात में दस से ग्यारह पढ़ाता हूँ अगर आप चैनल पर नए हैं तो इन सभी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं लाइव देख सकते हैं सुन सकते हैं पढ़ सकते हैं मेरे साथ सब्सक्राइब करने के लिए चैनल को लाल कलर का बटन है उस पर क्लिक करिए बेल आइकन ऑन करके ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा जिससे मैं नोटिफिकेशन आपको भेज सकूँ जब भी क्लास शुरू हो इससे पहले अगर इससे पहले वाले क्विज़ आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हैं तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना कमेंट शेयर करिएगा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखें मस्त रहें स्वस्थ रहें अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार